तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। पर देते हैं, पेपर का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, पद खाली पड़े हैं, नौजवान खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है आपके प्रदेश में। आपको याद होगा कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं, बहुत देख लिए हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटका में भी ये कहते थे, कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है, जहां जहां हमारी सरकारें हैं आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है, चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहां खड़े होकर, इस संस्कारधानी धरती पर खड़े होकर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्योछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे, आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताजुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहां आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है, और मुझे ताजुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी है। तो मैंने अपने ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है? और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका,
जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहां मध्य प्रदेश में, राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने, तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? हम सब कहते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि चलो घोटाला हो रहा है, कोई पैसे कमा रहा है कहीं पे, कोई नेता अपना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं भाई हमारा क्या, वो कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आप पे पड़ता है। जो भ्रष्टाचार होता है, इसका सबसे बड़ा असर पब्लिक पर ही पड़ता है, क्योंकि जहां पे जन सरकार का ध्यान होना चाहिए, मंत्रियों का ध्यान होना चाहिए, वहां से ध्यान हटता है। सिर्फ जब लूट और सत्ता में ध्यान रहता है तो पब्लिक का ध्यान नहीं रहता। जहां विकास के कार्य करने पड़ते हैं, पैसे उनमें डलने चाहिए, पूंजी उसमें डलनी चाहिए, वो नहीं डलती। जब अपने लिए पैसे लूटने में पड़ जाते हैं नेता, तो पब्लिक पीछे छूट जाती है, आपकी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं, और जो कार्य होने चाहिए आपके लिए वो नहीं होते। 18 सालों से ये सत्ता में है, तो आप सोचिए, जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है, वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से। और ये इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा है। जैसे कुछ दिनों पहले यहां आकर उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक अनाउंसमेंट की, तो इसलिए की क्योंकि 6 महीने में चुनाव आ रहा है। भाई तुम्हारी 5 साल से सरकार थी, 3 साल से तुम चले आ रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो तुमने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? इस समय करने की क्या जरूरत है? तो ये इनका व्यवहार दिखा रहा है हमें कि ये सब कर्मकांड है। इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है अपनी ही बातों पर। यहां आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं, बहुत देख लिए हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटका में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे। तो आज आपके प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई है। मैं जानती हूं मेरी बहनें यहां बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हैं आप। मैं जानती हूं कि सुबह से शाम तक आप काम करती हैं, और मेरे भाइयों बुरा मत मानना, लेकिन मैं महिलाओं में कहूंगी कि महिलाएं थोड़ा आपसे ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि आप खेती में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं तो घर आके आप आराम से लेटते हैं, महिलाएं बाहर जाती हैं काम करती हैं,
मजदूरी करती हैं या कोई नौकरी करती हैं या ऑफिस में ही बेशक काम करती हैं, तो घर आके भी काम करती हैं। और जब तक घर का काम खत्म नहीं होता, जब तक सब सही सलामत नहीं होते, सबने खाना नहीं खाया होता, तब तक सोती नहीं। इसीलिए मेरे दिल में एक खास जगह है अपनी बहनों के लिए। और मैं जानती हूं कि महंगाई का बोझ सबसे ज्यादा आप उठा रही हैं। गैस सिलेंडर को तो इतना महंगा कर लिया है कि खरीद नहीं पाते, भरवा नहीं पाते। आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान जाती हैं तो आधी चीजें आप बगैर खरीदे ही वापस आ जाती हैं। और महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को नहीं लेकिन सबको है। किसानों को देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो भी इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, सब महंगा पड़ गया है। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है आपके प्रदेश में, भयंकर बेरोजगारी है। जैसे मैंने कहा, शर्म की बात है कि एक सरकार 3 सालों में मात्र 21 सरकारी नौकरी दे रही है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान भाई बहन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं भर्ती के इम्तिहानों के लिए, कुछ ना कुछ हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है, पेपर कोई गड़बड़ हो जाती है, जितने पैसे उनके माँ बाप ने खर्चे उनके फीस पे, सब बर्बाद हो जाते हैं। जितने महीने उन्होंने पढ़ाई की वो सब बर्बाद हो जाते हैं। पेपर देते हैं, पेपर का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, पद खाली पड़े हैं, नौजवान खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है आपके प्रदेश में। आपको याद होगा कि इंदिरा जी कितना काम करती थी आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और आज आपकी दुर्दशा है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे बुजुर्गों पे, चाहे बच्चों पे, चाहे आदिवासियों पे, चाहे दलितों पे। तो तमाम जो जितने भी आंकड़े हैं, जो सब कुछ दिखा रहा है आपको, जो आप अपने अनुभव से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो कुछ कह रहा है। और मीडिया, इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग कुछ और कह रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आई, एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, कड़ी धूप में जाकर खेती करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, सुबह निकलने से पहले, छोटा सा पुराना टीवी था उसका, टीवी में वो खबर देख लेता था। तो एक दिन बड़ी धूप थी, खबर में आया कि बारिश आने वाली है, तो उसने कहा चलो आज सिंचाई नहीं करेंगे, आज तो खूब बारिश आएगी। निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई। उसने सोचा चलो खबर गलत होगी, कल सिंचाई कर लेंगे। घर आ गया, अगले दिन फिर निकला, फिर खबर देख ली, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है, फिर उसने सिंचाई नहीं की। ऐसे 5, 6, 7 दिन गुजर गए और वो इसी इंतजार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई। घर आके रोने लगा, तो रोने लगा, अपने गुरुजी के पास गया कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा था, मेरा सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं। तो उसके गुरुजी ने उसको कहा, अरे मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या हो रहा था, तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगा, क्योंकि खबर ने कह दिया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा का एक नया संस्थान नहीं बनाया गया, सड़कें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है, आपको बताया जा रहा है कि सुनहरा दौर है। मोदी जी G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश पे, लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि इन 3 सालों में इस भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? यहां पे जितने भी नौजवान हैं, हाथ उठा के मुझे बताओ कितनों को नौकरी मिली है,
अगर उन 21 बच्चों में से एक है तो हाथ उठा लो भाई, उठाओ। नहीं मिली, नहीं मिली नौकरी किसी को, आप एक जना हाथ उठा के बता दे मुझे कि क्या आपका जीवन सुधरा है? 3 सालों में तरक्की हुई है आपकी? आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना? किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4000 का करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए होता है, एक नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने की। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो एक नजरिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नजरिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या असर पड़ेगा। तो जबलपुर एक ऐसी शहर है जो उस नजरिए को लेकर उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती थी, आज बंद होने के कगार पे हैं। सरकारी कर्मचारियों का ये, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं, रेलवेज में काम करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध जीव हैं बहुत सारे जबलपुर में। और आज देखिए कि आपके जबलपुर का क्या हाल है। सरकारी नौकरियां जो हैं उनका क्या हाल है। एक देखिए, सरकारी नौकरी इसलिए लोग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि कम से कम जीवन भर हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हमारी कोई सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, हमें पेंशन मिलेगा। आज ये स्थिति है कि पूरे देश भर में सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं कि हमें पुराना पेंशन वापस दे दीजिए, हमें ये नया पेंशन नहीं चाहिए। और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में
हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पुराना पेंशन फिर से लागू हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा दो तरह की राजनीति है इस देश में, एक जो आप में आस्था रखती है, विश्वास रखती है पब्लिक में, और एक जो सत्ता में आस्था रखती है। तो जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है, तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही हैं। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूँ कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए। और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, जिससे पहले कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब उन्हीं 1.5 सालों में कितना काम किया गया। 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ कर्ज माफ किया उन 1.5 सालों में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से 600 रुपए तक बढ़ाया गया था। 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना का फायदा हुआ था। 1,000 गौशालाओं का निर्माण हुआ था। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक बनाए गए थे। ये सब काम 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया, और आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकारें, जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे कर रही हैं। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए, दिल से मैं कह रही हूं कि बहुत साल हो गए केंद्र में, 9 साल हो रहे हैं, आपके प्रदेश में 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है,
जो आपको नकार रही है, आपकी जरूरतों को नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा, हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं है। और अगर नेता ऐसा कर रहा है, या एक राजनीतिक दल बार बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी यह एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा नेताओं को, और उसमें हम सब शामिल हैं, कि अगर हम आपका काम नहीं करें और चुनाव के समय आपके जज्बात उभारने की बात कर लें, या आपको किसी जैसे आप जज्बाती मामले पे आपकी आपको उकसा दें और फिर उसके बल पर आपके वोट लेके सत्ता में बैठ जाएं, लेकिन फिर आपकी बिजली हम ना दिलवाएं, आपका विकास हम ना करवाएं, आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के मौके नहीं दिलवा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं, और सिर्फ सत्ता के मजे ले रहे हैं।